नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 23 से 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ इसी तरह करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, कल कुछ अपडेट्स नहीं थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई थी, तो आज हम जितने भी अपडेट्स हैं इन दो दिनों में उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का लोकार्पण कब किया है? 20 अक्टूबर 2024 को किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस को कौन सा पुलिस ध्वज सम्मान मिला है? राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान मिला है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को स्पेशल जूरी रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिका का चयन बीसीसीआई अंडर 19 T20 ट्रॉफी में हुआ है? आकांक्षा रानी का हुआ है। क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बस्तर में किया जा रहा है। बस्तर में कहाँ? जगदलपुर में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना किया गया है इसका नाम बदलकर। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में निम्न में से किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त कर ओवर ऑल चैंपियन बना है। मनु भाकर ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट के समापन समारोह में शामिल हुई। सुश्री मनु भाकर राजधानी रायपुर में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेने छत्तीसगढ़ आई हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97 गोल्ड, 44 सिल्वर, 33 कांस्य पदक के साथ कुल 731 पॉइंट्स लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की और पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर केरल ने 38 गोल्ड, 37 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 389 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 कांस्य पदक के साथ कुल 363 अंक प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 27वीं भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता है ना, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हो रहा था। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में इसने टोटल 731 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहा है और ओवरऑल चैंपियन बना है। दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, श्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 75 करोड़ करने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जसपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधायक श्रीमती रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की है। मयाली नेचर कैंप को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने मयाली में पर्यटन के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ध्यान रखें दोस्तों, मयाली नेचर कैंप के पास खड़सा व्यू पॉइंट है। ठीक है, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 प्राधिकरण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि खड़सा व्यू पॉइंट कहाँ है, तो मयाली नेचर कैंप के पास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्राधिकरण है, जिसमें से एक प्राधिकरण के अंतर्गत जो है ना सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है। ठीक है, इसकी जो बजट राशि है 50 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की गई है। ठीक है, और मयाली में पर्यटन के विकास के लिए भी 10 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कांकेर जिले के ग्राम पंचायत मासूल पानी को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल संरक्षण के लिए श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं।
जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासूर पानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल मंत्री श्री सी आर पाटिल द्वारा ग्राम पंचायत मासूर पानी की सरपंच श्रीमती रमिया नेताम को पुरस्कृत किया। जल संरक्षण के क्षेत्र में मासूर पानी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस ग्राम पंचायत में 161 जल सेट संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में कांकेर जिले के मासूर पानी को श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, पुरस्कृत किससे किया गया है? मासूर पानी की जो सरपंच है श्रीमती रमिया नेताम को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा जल समृद्ध भारत के सरकार के विजन को प्राप्त करने के लिए किए गए अच्छे कार्य और प्रयासों पर केंद्रित है। यह पुरस्कार लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, एग्री कार्निवल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। चलिए द्वितीय में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर को यूथ कॉन्क्लेव के साथ शुरू हुआ और यह आयोजन 25 अक्टूबर तक चलेगा। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस मेजबानी कर रहा है। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी रूस कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य मिश्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक्स कंट्रीज के साथ साथ 5 नए सदस्य जो है इसमें भाग ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, रूस में मेजबान देश जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजया किशोर राहतकर को किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत की गई है। उनका कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसके लिए की गई है। विजया किशोर राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष हैं और जो विजया किशोर राहतकर है वह रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने जिला मुख्यालयों में महिला पिंक थाने खुलेंगे? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।